छात्रों, आज हम कक्षा 11वीं में राजनीति विज्ञान विषय में अध्याय 5 विधायिका के बारे में अध्ययन करेंगे। सरकार का ये एक अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इस जो विधायिका है, ये वास्तव में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें रहते हैं। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये जो विधायिका है, इसमें इसका काम है विधि निर्माण। क्या काम है इसका? विधि निर्माण। जो विधि मतलब कानून, ये कानूनों को क्या करती है? बनाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी विधायिका होती है और राज्य स्तर पर भी विधायिका होती है। तो हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि संसद का काम है विधि निर्माण, कानून को बनाना, कार्यपालिका पर भी ये नियंत्रण करती है, उनको सीमित करती है। और जनता या कोई भी जो राष्ट्रीय विषय है उस पर भी नियंत्रण करती है। तो इस प्रकार, क्योंकि बड़े बड़े राष्ट्र होते हैं, इसलिए संसद में हमें दो सदनों की आवश्यकता होगी। क्योंकि यदि बड़े राष्ट्र हैं, बड़े राष्ट्र हैं, तो सभी में सभी क्षेत्रों को, देश के सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिल सके, वहां से प्रतिनिधि देश के। यदि मान लो हम एक सदन होंगे तो प्रतिनिधि कम आएंगे, और दो सदन होंगे तो प्रतिनिधि ज्यादा आएंगे। और मान लो संसद का कोई भी निर्णय है, संसद का संसद में जो निर्णय लिए जाते हैं, तो यदि दो सदन होते हैं तो उस पर फिर से पुनः क्या हो जाता है? पुनर्विचार हो जाता है। इसलिए हमें संसद में दो सदनों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो होती है विधायिका, उसको हम कहते हैं संसद। संसद के ये दो सदन होते हैं, राज्यसभा, जिसको हम उच्च सदन भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है लोकसभा, जिसको हम निम्न सदन कहते हैं। यह है निम्न सदन। और जो राज्य स्तर पर होता है, विधायिका होती है, उसको हम राष्ट्रीय स्तर पर संसद बोलते हैं, इसको हम विधान मंडल कहते हैं। इसके भी दो भाग होते हैं, दो सदन हो सकते हैं, कहीं कहीं है और कहीं कहीं नहीं है। इसका एक सदन होता है विधान सभा, और दूसरा होता है विधान
राष्ट्रीय स्तर पर तो हमारे भारत देश में दोनों सदन हैं, लेकिन राज्य स्तर पर जो विधानमंडल है उसमें दो सदन सभी जगह सभी राज्यों में नहीं है। केवल जब यदि दोनों सदन होते हैं तो हम इसको बोलते हैं द्विसदनात्मक। और जब एक होता है तो उसको बोलते हैं एक सदनात्मक। तो जो द्विसदनात्मक है हमारे भारत देश में 7 राज्यों में कैसी व्यवस्था है द्विसदनात्मक, ये 7 राज्यों के नाम मैं बता देती हूँ। जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, तेलंगाना और एक उत्तर प्रदेश। ये 7 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, और बाकी राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्था पाई जाती है। तो ये अपने मतलब उस क्षेत्र में उस राज्य पर निर्भर करता है कि वो एक सदनात्मक व्यवस्था चाहता है या द्विसदनात्मक व्यवस्था चाहता है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय स्तर पर राज्यसभा के बारे में। जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनका अप्रत्यक्ष विधि से चुनाव होता है। ये जो हमारे विधायक हैं ये सब इसका एक निर्वाचक मंडल होता है। राज्य के विधायकों का एक निर्वाचक मंडल होता है, उसके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ये जो राज्यसभा के सदस्य हैं ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए। और इनको ये इसके प्रत्येक हर 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। अच्छा, राज्यसभा के जो सदस्य हैं मतलब उस पूरे कभी भी राज्यसभा भंग नहीं होती है। राज्यसभा को हम स्थाई सदन भी कह सकते हैं, क्योंकि हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या करते हैं, अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, फिर से उनके चुनाव हो जाते हैं। और राज्यसभा में कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत करते हैं कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में। तो ये इस प्रकार राज्यसभा के बारे में हो गया। और राज्यसभा में क्या होता है कि हर क्षेत्र से प्रतिनिधि चुने जाते हैं
वो वहां की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर। मान लो भारत में जो ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है वहां से प्रतिनिधि की संख्या ज्यादा होगी, और जो कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है वहां प्रतिनिधि की संख्या क्या होगी? कम होगी। तो जनसंख्या के आधार पर वहां पर प्रतिनिधि चुन के आते हैं। लेकिन अमेरिका में जो राज्यसभा है उसको हम सीनेट कहते हैं, वहां पर हर क्षेत्र से प्रतिनिधियों की संख्या बराबर होती है, वहां जनसंख्या के आधार पर नहीं चुना जाता है। लेकिन यदि हम भारत में ऐसा करें तो सिक्किम में जनसंख्या बहुत कम है, यदि वहां से चुने गए प्रतिनिधि, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत अधिक है, वहां से चुने गए प्रतिनिधियों की संख्या बराबर होगी, तो ये उचित नहीं होगा। इसलिए भारत में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि चुने जाते हैं। सिक्किम से जनसंख्या कम है तो एक प्रतिनिधि चुन के आता है, उत्तर प्रदेश में उससे 5 गुनी जनसंख्या है तो वहां से जनसंख्या के आधार पर 5 प्रतिनिधियों को चुना जाता है। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा में जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और जो चुने जाते हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और यदि बीच में कोई भी सदस्य के द्वारा कुछ भी बीच में अविश्वास प्रस्ताव या कोई गलत कार्य होता है तो पूरी लोकसभा एक साथ भंग हो जाती है, और इससे लोकसभा के जो सदस्य हैं सांसद कहलाते हैं, और इन जो बहुमत इसमें जो बहुमत दल द्वारा ही इसमें प्रधानमंत्री का चुनाव होता। और ये जो लोकसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा में जो जनता द्वारा चुने जाते हैं वो उनका चुनने का जो है नियम है उसमें हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पद्धति का उपयोग करते हैं। सार्वभौमिक जो सब भारतवर्ष में इसकी आयु 18 वर्ष है, तो ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये 5 वर्ष से पहले भी हम इनको भंग कर सकते हैं। कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी, कई बार हमारे भारत देश में ये तो 5 वर्ष से पहले भंग हो जाती है कभी कभी। अब जो संसद हैं, राज्यसभा और लोकसभा, सभी के कार्य वैसे मिलते जुलते हुए हैं। तो विधायी काम, विधायी मतलब कानून को बनाना,
दोनों का काम है, राज्यसभा और लोकसभा में विधेयक पारित होता है और यदि राष्ट्रपति उसको स्वीकृति दे देते हैं तो वो कानून बन जाते हैं। और जो विधायिका है वो कार्यपालिका पर भी नियंत्रण करती है। तो ऐसा कहते हैं कि विधायी ये कानून बनाते हैं लेकिन इनको भी मंत्रिमंडल का जो यह है मंत्रिमंडल के अनुसार ही इनको काम करना पड़ता है। हमेशा नहीं, अधिकतर मंत्रिमंडल ही जो कार्यपालिका है अधिकतर ये ही क्या करते हैं इनके द्वारा ही विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। कोई सामान्य विधेयक भी दे सकता है। वित्तीय कार्य देश में बड़े बड़े कार्य होते हैं तो उसमें हमें धन की आवश्यकता होती है। तो धन कहाँ से आना है, आपने देखा होगा कि कर द्वारा जो धन आता है, कर द्वारा धन भी मिलता है, तो उस पर कितना कर लगाना है और उसका क्या कार्य है, तो ये एक बाद में उनका एक बजट प्रस्तुत किया जाता है वित्तीय वर्ष में, और ऑडिटर द्वारा भी इनके धन खर्च पर उनका निरीक्षण किया जाता है। प्रतिनिधित्व, ये अलग-अलग क्षेत्र से आते हैं और अपने-अपने क्षेत्र का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये सारी अपने क्षेत्र की समस्याओं को वहाँ संसद में प्रदर्शित करते हैं और उनके बारे में विचार करते हैं। और सबसे अच्छा है कि जो संसद है वो बहस का मंच होता है। बहस मतलब सभी को अपने विचारों सभी को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। संवैधानिक कार्य मतलब ये संविधान में विशेष बहुमत द्वारा संशोधन भी कर सकते हैं। संशोधन करना, इसके लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में विशेष बहुमत होना चाहिए। निर्वाचन संबंधी कार्य, ये राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, चुनाव भी करते हैं। और न्यायिक कार्य में ये न्याय जो न्यायालय है उसकी मदद करते हैं। कोई भी राष्ट्रपति पर कोई अभियोग लग गया या उपराष्ट्रपति पर, या कोई न्यायाधीश है, जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाना है, तो ये न्यायालय को इन सब कार्यों में मदद करते हैं। तो इस प्रकार ये संसद के क्या हैं, कार्य हैं।